नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीएनपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। जुमे की नमाज के बाद हिंसा और आगजनी की घटना सामने आने के बाद सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने टीम 9 के अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के अलग अलग शहरों में माहौल बिगाड़ने वाले आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ऐसे असामाजिक लोगों के लिए सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। साथ ही सीएम ने कहा कि यह ध्यान रखें कि किसी भी निर्दोष का उत्पीड़न ना हो, लेकिन दोषी एक भी ना बचे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने खुले शब्दों में उपद्रवियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि उपद्रव करने वालों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है। उपद्रव करने वाले लोगों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी दंगा मुक्त प्रदेश है और रहेगा। प्रदेश में पूरी सतर्कता बरती जाएगी। जो माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, जांच करके उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश था, है और रहेगा। इसे कोई दंगा ग्रस्त करने की कोशिश करेगा, वह ध्यान रखे कि कानून उसके खिलाफ कठोरता से निपटे। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज एक कार्यक्रम में शामिल होने उन्नाव पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी से निष्कासित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ हुई कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी है। साक्षी महाराज ने कहा कि देश ना तो फतवे से चलने वाला है और ना कोई अनाप शनाप बात कह देने से। देश में बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है, जिसके तहत अपनी बात कहने का अधिकार सभी को है। योगी सरकार में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने सपा प्रमुख के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें गोबर नहीं इत्र चाहिए। इस पर धर्मपाल सिंह ने अखिलेश यादव को जवाब देते हुए कहा कि इत्र से पेट नहीं भरेगा, इत्र फैशन की चीज है, पेट गाय के गोबर से ही भरेगा। धर्मपाल सिंह ने कहा कि आज हमारी देसी गाय खत्म हो रही है। गाय का गोबर बहुत उपयोगी है और जीवनदायिनी है। देसी गाय का दूध, गोबर, गौमूत्र, दही, घी, अमृत होता है। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर बिजली कटौती को लेकर डिप्टी सीएम पर तंज कसा है। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या में नव निर्मित कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन कार्यक्रम में काफी देर तक बिजली कटी रही, जिसकी वजह से वहां मौजूद सभी लोगों को मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके बैठना पड़ा। कार्यक्रम का वीडियो समाजवादी पार्टी ने ट्विटर पर शेयर किया है और सपा ने शेयर कर लिखा है कि उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बिजली गुल। उप मुख्यमंत्री जी, सच बताइएगा, बिजली कटने से आप शर्मिंदा हुए कि नहीं? पैगंबर मोहम्मद पर विवाद टिप्पणी का मामला गरमाता ही जा रहा है और इसी बीच परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि बुलडोजर के आधार पर ही हम चुनकर आए थे, ऐसे लोगों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ योगी सरकार बड़ी कार्रवाई करेगी। जो भी लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है, आगे भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी। महान दल का सपा से गठबंधन तोड़ने के ऐलान के बाद पार्टी के अध्यक्ष केशव देव मौर्य अब पैदल हो गए हैं। दरअसल सपा ने विधानसभा चुनावों से पहले केशव देव मौर्य को एक फॉर्च्यूनर कार गिफ्ट में दी थी। इसे गठबंधन टूटने के बाद वापस ले लिया गया है। बता दें कि हाल ही के राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में हिस्सेदारी न मिलने से खफा केशव देव मौर्य ने सपा से गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया था। सपा विधायक आजम खान ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा प्रत्याशी आसिम राजा को जिताने का आह्वान किया। साथ ही आजम खान ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मैं विधानसभा एक दिन के लिए गया हूं। बीजेपी के वजीरों और विधायकों से सिर नहीं उठाए गए, मुझे मालूम था कि मुझसे आंख नहीं मिला सकेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। टीएनपी न्यूज एक हिंदी भाषी न्यूज चैनल है। टीएनपी ग्रुप का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पत्रकारिता का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट tnpnews.in या grameenreporter.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको स्वागत है टीएनपी न्यूज में। तो चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा पर एसएसपी ने बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि इस बवाल और हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद अहमद उर्फ पंप है। एसएसपी के मुताबिक यह खुद को सोशल एक्टिविस्ट बताता है और इसके मोबाइल से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई है। पुलिस ने इस मामले में जावेद अहमद समेत 68 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। बता दें कि प्रयागराज पुलिस ने इस उपद्रव के संबंध में खुलदवा थाने में 2 और करेली थाने में 1 मुकदमा दर्ज किया है। इसमें 70 लोगों को नामजद और 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। डायरेक्टली किसी का लिंक नहीं है, इंडिविजुअल का इसमें लिंक सामने आ रहा है। किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का एक साजिश निकल के आएगा तो उसको भी बेनकाब करके आप लोगों को बताया जाएगा। सर, इस दंगे में अति कौर फिलहाल जो इंडिविजुअल्स थे उनके नाम आए हैं, उन पे छानबीन की जा रही है, अभी उनको हिरासत में लिया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। जुमे की नमाज के बाद प्रदेश में कई जिलों में हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। कानपुर और प्रयागराज समेत कई जिलों में बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। पुलिस मामले के आरोपियों की शिनाख्त में जुटी है। नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। आपको बता दें कि नामजद 37 उपद्रवियों को देर रात ही गिरफ्तार कर लिया गया था। साथ ही आज सुबह नए सिरे से नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। 70 नामजद और 1000 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बाबा विश्वनाथ के धाम में भक्त जल्द ही शुद्ध हवा में सांस ले सकेंगे और इसके लिए विश्वनाथ धाम में एयर प्योरीफायर लगाया जाएगा। धाम में अलग अलग 12 जगहों पर ये एयर प्योरीफायर लगाए जाएंगे। बता दें कि एयर प्योरीफायर लगाने को लेकर सर्वे का काम भी शुरू हो चुका है। दिल्ली से आई टीम ने विश्वनाथ धाम के आसपास के इलाकों में सर्वे कर इसकी रूपरेखा भी तैयार कर ली है। धाम में एयर प्योरीफायर लगाने के बाद प्रदेश का ये पहला मंदिर होगा जो कि पूरी तरह से कार्बन फ्री जोन रहेगा। बरेली के आंवला थाना क्षेत्र में पुलिस कर्मियों को बिजली विभाग के लाइनमैन का चालान काटना महंगा पड़ गया। बता दें कि दरोगा ने मोटरसाइकिल चला रहे लाइनमैन का चालान काट दिया था। इसके बाद लाइनमैन ने बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस चेक पोस्ट की बिजली ही काट दी, जिसकी वजह से चेक पोस्ट के सभी पुलिस कर्मियों को भीषण गर्मी के बीच अंधेरे में रहकर रात गुजारनी पड़ी। जांच कर रहे हैं जैसे कार्रवाई हो रही है, कर रहे हैं साहब का है जो भी विभागीय नियम के अनुसार कार्रवाई होगी वो। सोनभद्र पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि शक्ति नगर में बीएसएन एक्सचेंज ऑफिस और एनटीपीसी आवासीय परिसर में लाखों रुपए की चोरी हुई थी, जिसमें पुलिस ने मामले की जांच कर लाखों की चोरी का सामान बरामद कर लिया है और साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। शक्ति नगर पुलिस के द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया है, 6 चोर पकड़े गए हैं और उनके कब्जे से लगभग 5 लाख रुपए का माल बरामद किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले 6 जून को बीएसएनएल ऑफिस शक्ति नगर से चोरी हुई थी, जहां से कंप्यूटर, सीपीयू, लैपटॉप, बायोमेट्रिक्स और भी सामान चोरी गया था। शक्ति नगर पुलिस के द्वारा अपनी चोराग्रस्ती पतारसी करते हुए कल शाम को 6:30 बजे लगभग अवध पेट्रोल पंप के पास से 6 चोरों को गिरफ्तार किया गया, और जो कि पूर्व में भी अन्य थानों की चोरी में भी संलिप्त रहे हैं। पीलीभीत में पैसों के लेनदेन को लेकर दबंगों ने बुजुर्ग के साथ मारपीट की। मामला जहानाबाद इलाके का है, जहां बुजुर्ग को कुछ दबंगों ने 20,000 के लेनदेन के चक्कर में बुरी तरह से पीटकर घायल कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी गयी। चचेरे तहरे भाई है, उनने इनके ऊपर पैसे को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई दी थी, उसमें पुलिस भी आई थी। तो ये लोग समझ रहे थे कि मेरे चाचा जो सत्य प्रकाश हैं कि इनने उनको चढ़ा दिया है, किसी के पैसे आ रहे हैं तो ये पैसे देने से इनकार कर रहे थे। उनने रिपोर्ट कर दी इनके ऊपर। इस मामले में उनने विरोध किया कि भाई हमें गाली उली मत दो, जिसने तुम्हारे ऊपर लिखाई उसका जो भी करो। फिर इतने में ही इन लोगों ने चाचा को खींच लिया, खींच के फिर बहुत मारा। 4 लोग थे मारने वाले और औरतें थीं। प्रदेश के कई जिलों में गर्मी के प्रकोप में आने वाले दिनों में कोई कमी नहीं आने वाली है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार मानसून आने में अभी 4 से 5 दिनों का समय लगेगा, यानी कि प्रदेश वासियों को गर्मी से राहत के लिए कुछ और दिन इंतजार करना होगा। फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है और इसके साथ ही मौसम विभाग ने लू चलने और बारिश के आसार को देखते हुए चेतावनी जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टीएनपी न्यूज और खबरों को
को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.tnpnews.in। नमस्कार।